OBJECTION दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है या इसे बोला जाता है ऑब्जेक्शन। अब वो ऑब्जेक्शन का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्शन के कुछ मतलब यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन का मतलब होता है विरोध करना, विरुद्ध हेतु, कोई आपत्ति हो, कोई एतराज हो या कोई शंका हो। जब भी कोई शंका होगी, आपत्ति है या कोई एतराज है या किसी चीज के हम विरुद्ध है, तो वहां ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट। यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्जेक्शन आया हुआ है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति होना। जैसे आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि कोई वकील अदालत में, अगर अदालत का केस होता है, तो वकील हमेशा, अगर वकील को कोई बात दूसरे वकील की अगर पसंद नहीं आती है या उससे वो इत्तेफाक नहीं रखता, तो वो कहता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो आप ऑब्जेक्शन का मतलब समझ गए होंगे। ऑब्जेक्शन का बेसिकली मतलब होता है आपत्ति या एतराज। ठीक है,